जब भी कभी इतिहास में भक्ति की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है अपना प्यारा देश भारत, यानी अपना प्यारा आर्यभट्ट। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन ड्यूअलिटी। और वो जानते हैं, उसका आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC स्क्वायर। क्योंकि जब आप नॉन ड्यूअलिटी में जाते हैं, अब यहाँ पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी, इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन। क्योंकि भारत देश में ऐसे ऐसे मानता है जिन्होंने भारत देश को बदल कर रख दिया, यही अपना प्यारा देश भारत। आर्यव्रत कहलाया सोने की चिड़िया कहलाया। हमारे हिसाब से अगर इस भारत देश को मुनियों की नगरी कहे तो गलत नहीं है। आज के इस नए भारत में एक नया ट्रेंड चला है, सोशल मीडिया वाले बाबा। कोई पर्चा खोलता है तो कोई सोशल मीडिया पर ढोंगी बाबा बनता है और कोई भविष्यवाणी करता है। मेन मकसद उन सब का है ढोंगी बाबा बनना। मेरे हिसाब से अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि बच्चे को इमोशन को ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, तो मैं उन लोगों को इस बच्चे की इंस्टा अकाउंट की बायो को दिखाना चाहता हूँ कि इस इमोशन वाले बाबा का आखिरी मकसद क्या है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली के रहने वाले अभिनव अरोड़ा। अरे हम वो हैं जिसने आकाश से गंगा उतारी, जिसने सागर पर सेतु बनाया, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने दुनिया को संख्या दी। फेमस लेखक और टेड स्पीकर तरुण राज अरोड़ा के बेटे अभिनव अरोड़ा की। अभिनव अरोड़ा यह वही अरोड़ा है जो आपको भारतीय परिधान में, यानी हमेशा आपको धोती और कुर्ते में पाए जाएंगे, जो अपने आप को बलराम मानते हैं और श्री कृष्ण को छोटे भाई के रूप में पूजते हैं। अभिनव अरोड़ा जो भारत के यंगेस्ट स्पिरिचुअल ऑथर है, ऐसा इन्होंने खुद अपने इंस्टा अकाउंट की बायो में लिख रखा है। इनको भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सम्मानित किया गया सबसे कम उम्र में धार्मिक वक्ता होने। श्री अभिनव अरोड़ा को सम्मानित किया जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत से हटकर किसी और देश में देखे तो कम उम्र के बच्चे कंपनी बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस का मतलब समझते हैं और अपने देश के विकास के बारे में सोचते हैं, इनकम टैक्स देने के बारे में सोचते हैं। I'm Cassidy Crowley. I'm seeking $50,000 in exchange for 50% of my company. वहीं दूसरी तरफ भारत में कम उम्र वाले बच्चे सोशल मीडिया वाले बाबा बन रहे हैं। क्या है सोशल मीडिया वाले दिखावा करने वाले बाबा भारत को एक नई क्रांति दिला पाएंगे हमारे पहले के संत महात्माओं की तरह, जिन्होंने भारत देश को इस लेवल तक लाए। हमको तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि हमारे पहले के जो संत महात्मा थे वो हमारे भारत देश को, जनता तथा भारत देश के लोगों को जागरूक होने का काम करते थे। वो राजा महाराजाओं से अवार्ड लेना अर्थात सम्मानित होना पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि ऋषि मुनियों को कभी उनको इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। और आज के सोशल मीडिया वाले बाबा को आप तो देख ही रहे हो भाई। अगर सच में आप बाबा हो तो ये सब वायलेशन की चीजें हैं या फिर मान सम्मान पद, इन सब से आप पहले ही उभर चुके हो। हमारे हिसाब से अब आपको इस चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मगर आज के नए युग के नए भारत के बाबा है जो अवार्ड भी लेना पसंद करते हैं और रील बनाकर इंस्टा पे भी पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में बस ठाकुर जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। कहीं किसी फंक्शन में पहुंच जाते हैं तो कहीं नाश्ते करते पाए जाते हैं। ये कोई धर्म वाली बात ही नहीं करते, ना ही कोई अच्छा प्रवचन करते हैं। इन सोशल मीडिया वाले बाबाओं को तो बस पॉपुलरिटी चाहिए और इंस्टा पे पोस्ट करने के लिए रील चाहिए। भाई जब अभिनव अरोड़ा की इंस्टा आईडी को आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा क्या मार्केटिंग की जा रही है भक्ति के नाम पर। ब्रज की क्या महिमा है, ब्रज रज की तो महिमा नहीं आ रही है, ब्रज रज की महिमा नहीं आ रही, वृंदावन नगरी है बहुत प्यारी, ब्रज रज जाको मिल गई, बाकी चाहना शेष, ब्रज की चाहत में तो रहे ब्रह्मा विष्णु महेश। बाबा जी क्या उच्चारण कर रहे हैं, न्यारी होता है भाई, न्यारी नहीं होता, नगरी नहीं होती भाई, नगरी होती है।
प्यारी नहीं प्यारी होती है। क्या बात है बाबा जी, मेरे हिसाब से तो आपको पहले उच्चारण कर लेना चाहिए, मेरे प्यारे बाबा जी। और तो और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये सवाल तथा जवाब इन दोनों पक्षों को खूब रटाया गया है पहले से ही। भाई क्या बात है, हमारे यूपी बिहार में तो पेपर लीक हो रहे हैं, यहाँ तो स्क्रिप्ट ही लीक हो गई है। भाई पूजा पाठ के नाम पर क्या से क्या लोग कर रहे हैं, पॉपुलरिटी पाने के लिए पूजा पाठ करते हैं, पॉपुलर होने के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आपको इस वीडियो में देखिए। भाई क्या ओवर एक्टिंग है, मारना पड़ेगा अभिनव बाबा जी को, मेरे प्यारे बाबा जी। भाई इमोशनल होना रोना गाना ये अच्छी बात है, लेकिन फेम के लिए ये सब दिखावा करना मेरे हिसाब से ये तो गलत है। यहाँ तक देखे तो ठीक था, मगर ये वीडियो को शूट किया जा रहा है, इंस्टा पे पोस्ट की जा रही है, हमारे हिसाब से तो ऐसा भी होता होगा कि रोते समय वीडियो अच्छी नहीं आई हो तो फिर से उसको रिकॉर्ड किया जाए, फिर से रुलाया जाए बाबा जी को, बाबा जी वीडियो अच्छी नहीं है इसके बार और आप रो दो तो शायद अच्छी आ जाए इंस्टा के लिए। तू तो बांके बिहारी का भक्त है, तू क्यों उसके ऊंचे रहता है। मैं तो कहता हूँ कि समुद्र की जड़ है बनो, उसकी आवाज सुनो, तूफान की जड़ है उठो, लहरों से कभी नहीं डरो। क्या बात है भाई, यहाँ भी 10 साल का बच्चा लिटरली आपको मोटिवेट कर रहा है। ये बाबा जी बता रहे हैं कि जिंदगी की परेशानियों को कैसे सामना करना चाहिए, जो बाबा जी अभी बोर्ड एग्जाम को ही पास नहीं किया है। आप इस 10 साल के बाबा से क्या ही उम्मीद लगाओगे कि इन्होंने क्या से क्या परेशानियां देखी होंगी। बाबा जी परेशानियां सिर्फ बातों से अच्छी लगती है, आप जैसे बाबाओं को इंस्टा और यूट्यूब पर फेमस होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए। असल जिंदगी में परेशानियां क्या होती है आप इस वीडियो में देखो। परेशानियां या फिर मुसीबत उसको कहते हैं जिसको पढ़ने की उम्र में काम करना पड़ा, खिलौने से खेलने की उम्र में बाजार में खिलौने बेचने पड़े, परेशानियां उसको कहते हैं घर के दुलारे जाने की उम्र में घर की परेशानियां उठानी पड़ी। अच्छा मैं तुमको छतरी दे देता हूँ, ठीक है, भीगो मत, हाँ ठीक है, बीमार बन जाओगे, छतरी लाओ, छतरी ला जल्दी लाओ। तुम खाने के लिए आप क्या जानोगे की परेशानियां क्या होती हैं, जिसने घर की सुख सुविधाओं के बीच जीवन जीना जानता हो। बस आप जैसे लोग परेशानियां शब्द को चुनते हैं और इंस्टा पे रिपोस्ट कर देते हैं, आप जैसे लोग यानी ढोंगी बाबा। हमारे स्कूल में हमारे टीचर हमें सिखाती है कि ये वाला टेबल याद कर लो कि जिंदगी भर काम आएगा, तो हमें ये क्यों नहीं सिखाती कि भक्ति करो कि जिंदगी भर काम आएगी। रील में ढोंगी बाबा जी कहते हैं मेरे स्कूल के शिक्षक मुझे सिखाती है नहीं बाबा जी, सिखाती है हाँ बिंदु। शिक्षक को ही बाबा जी रे बोल रहे हैं, सिखाती है, बोलो बेटा जाओ पहले टेबल याद करके आओ, जल्दी आओ, और अपने गुरु का और अपने से बड़ों का सम्मान करना सीखो गुरु बेटा। गुरु बेटा चलो हम मान लेते हैं तुम्हारी बात को कि हमें भक्ति करना चाहिए, मगर सच भी तो ये है कि उन भक्ति से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है और ना कि भक्ति की। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है ना कि भक्ति की। और तो और आप दूसरे को उपदेश देते हो कि भक्ति करना चाहिए, तो आप फिर ये सोशल मीडिया पे ढोंग क्यों रच रहे हो, अभी भक्ति करते सोशल मीडिया पे पोस्ट करने की आपको क्या जरूरत है। भक्ति करने से मन को शांति मिलती है, ना कि किसी देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए भक्ति की जरूरत होती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ धन की आवश्यकता पड़ती है। यार हद है, ये बंदा भक्ति की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अपने इंस्टा बायो में लिख रखा है पेड प्रमोशन के लिए। मैं काफी टाइम से इनका इंतजार कर रहा था कि हमारे यहाँ ये अपने चरण छुआ रहे हैं, इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये रहा इनके इंस्टाग्राम के बायो का स्क्रीनशॉट, जिसमें इन्होंने कंटेंट फॉर इवेंट्स और व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है इन्होंने। बाबा जी आप तो भक्ति करते, आपको पेड प्रमोशन करने की क्या ही जरूरत, ऐसे ढोंगी बाबा को फेमस करने का श्रेय हम ही सब लोगों को जाता है। हमें ये जानना चाहिए कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फेक होती है, ऐसे जो स्पिरिचुअल वक्ता होते हैं जिनके पास सही जानकारी का अभाव होता है और ना ही वो नॉलेज को स्प्रेड करने के काबिल होते हैं, ये ऐसे लोग जो हैं मिसलीड करते हैं लोगों को, स्पिरिचुअलिटी को कमर्शलाइज करने का काम हो रहा है। ये बच्चा या फिर इसको जो मैनेज करते हैं वो कभी नहीं सोचेंगे कि क्या स्पिरिचुअल नॉलेज मेरा बच्चा दे रहा है,
कि क्या ये लोगों को सिखा रहा है, बस ये सोचेंगे कि कैसे ये फेमस हो, इसे फेम मिले और हमें पेड प्रमोशन मिले जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। स्पिरिचुअल एक ऐसी चीज है जिसे प्रॉफिट के लिए नहीं प्रयोग किया जाता है, मगर यहाँ कुछ और है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की बात चल रही है। तो आप ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और अपने परिवार को भी सावधान रखें। आप अपने बच्चों को एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट दिलाओ, ना कि ये सोशल मीडिया वाले फर्जी बाबाओं के भक्ति में। तो एजुकेशन की वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए राधा।